वेलकम टू माय चैनल संगीताज क्रिएशन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने इस खाली ड्राई फ्रूट बॉक्स से क्या बनाया है। तो मैंने लिया है कि खाली ड्राई फ्रूट बॉक्स जिसके अंदर खाने बने हुए हैं, ये पूरा गोल्डन कलर का था तो मेरा मन किया तो मैं इसे रंग बिरंगा बना दूँ। तो देखिए मैं इसके साथ क्या करती हूँ। आपके पास भी कोई खाली बॉक्स हो तो आप भी बना सकते हैं। मैंने लिए हैं इसके लिए ग्लास कलर, तो मैंने इसमें ग्लास कलर से देखिए कैसे डिज़ाइन बनाया है। ग्लास कलर स्टेशनरी की दुकान पर आराम से मिल जाते हैं, 90 रुपये के आते हैं। तो आप अगर एक बार ग्लास कलर ले लेंगे तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इस तरह मैंने इस छोटे छोटे खानों में अलग अलग कलर कर लिया है। थोड़ा कम कम कलर ही लगाना है और उसे बार बार टच नहीं करना है, नहीं तो वापस हो जाता है। करने के बाद छोड़ देना है, बार बार से टच नहीं करना है जहां हम कर चुके होते हैं। थोड़ा हल्का हल्का ही लगाना है और सूखने देना है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है पर हमारी चीजें बहुत सुंदर बन जाती है अगर हम थोड़ी मेहनत करते हैं। इस तरह मैंने सारे जगह रेड कलर कर लिया है। देखो थोड़ा सा कलर करने के बाद ही कितनी चमक आ गई है। अभी जब मैं पूरे में करूंगी देखना कितना सुंदर लगेगा। तो मैं यहाँ पर अलग अलग कलर कर लूंगी। रेड के साथ में ग्रीन कर रही हूँ। ये कलर मैंने एक बार खरीदे थे, इनसे मैं इतना ज़्यादा काम कर चुकी हूँ। अगर आप भी एक बार ग्लास कलर ले लेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने रेड के साथ ग्रीन कॉम्बिनेशन रखा है, रेड के साथ ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह मैंने पूरे में रेड के साथ ग्रीन कर लिया है। पूरा होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। अब मैं तो और जगह ब्लू कलर कर रही हूँ। मैंने सब जगह ब्लू कर लिया है। बस आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर कर सकते हैं। आपके पास ऐसा बॉक्स नहीं हो तो आप किसी के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास प्लेन बॉक्स हो आप उसके ऊपर कोई गिफ्ट पेपर चिपकाकर उसके ऊपर भी बना सकते हैं। करने के बाद देखना कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह मैं यहाँ सब जगह भी कलर कर लूंगी अलग अलग, जो भी आपको पसंद आए वही कलर कर सकते हैं। पूरा कलर होने के बाद देखो ये बॉक्स कितना खूबसूरत बना है। आप बताइए आपको कैसा लगा है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। कलर होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेटल का है कलरफुल। थोड़ी मेहनत जरूरी है कलर करने में परंतु धीरे धीरे बन जाता है। अंदर से ये ऐसे है तो मैं इसे बनाऊंगी ज्वेलरी बॉक्स। इसके अंदर मैंने अपनी बेटी के सारे रिंग रख दिए हैं। तो ये खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स बन गया है। इसमें अलग अलग खानों में रखने से ये मिक्स नहीं होंगे और आराम से उठा सकेंगे। तो इसमें आप कोई भी सामान रख सकते हैं, जो आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। पर ये डेकोरेट हो गया तो सुंदर लग रहा है।
इसे आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। टेबल के ऊपर रखकर आप इसके ऊपर कोई शो पीस रख दे तो आपके सेंटर टेबल पर डेकोरेशन पीस का काम करेगा। मैंने इसके ऊपर गणेश जी की फ़ोटो रख दी है टेबल के ऊपर रख के, तो ये हम इसे सेंटर पीस की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, और हम इसे इस तरह से फोटो फ्रेम की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें 4 फोटो लगा सकते हैं, अगर आप एक सिंगल बड़ी फ़ोटो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास इस टाइम फ़ोटो नहीं है तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाया है और सजेशन दिया है कि आप इसे एक फ़ोटो फ्रेम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा बनने के बाद देखिए कैसा लग रहा है, अगर इसके अंदर पिक लगा देंगे तो कितना सुंदर लगेगा। आपको ये कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।